नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आलू के ब्रेड रोल्स। आलू के ब्रेड रोल्स बनाने के लिए आप ये ब्रेड ले लीजिए। ब्रेड कोई भी आप ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, आटा ब्रेड, कोई भी ब्रेड ले लीजिए। ब्रेड ले लीजिए और हमने ले लिए हैं आलू। आलू जो हमने बॉयल कर लिए थे और इसको मैश कर लिया है। और हमने लिए हैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें हमने चॉप कर ली हैं, और थोड़ा सा पानी और बाकी सूखे मसाले। अब इसमें क्या करेंगे हम, आलू में ये जो प्याज, लहसुन और हरी मिर्च हमने चॉप करके रखी हुई थी, इसको हम मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम डाल देंगे इसमें सूखे मसाले, नमक आपके स्वाद अनुसार, हरा धनिया सूखा, गरम मसाला, अजवाइन, थोड़ी सी हींग, आमचूर, इन सब चीजों को अच्छे से मैश कर लीजिए। दोस्तों, जो हमने रिफाइंड डाला हुआ था इसमें कढ़ाई में, वो भी हमारा गरम हो गया है। गरम चेक करने के लिए हल्के सा हम आलू डालेंगे। अगर वो ऊपर आ जाए तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गरम हो चुका है। अब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसको क्या करेंगे, ब्रेड रोल्स बनाने के लिए ब्रेड ले लीजिए और ब्रेड को पानी में ये डिप कर दीजिए। हल्का हल्का डिप करते जाएंगे चारों साइड से, और थोड़ा सा बीच में से ऐसे कर देंगे और इसको अच्छे से निचोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं भिगोना, इसको हल्का 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 करते जाएंगे। ज़्यादा रखेंगे तो हमारी ब्रेड जो है वो टूट जाएगी। अब ये गीली हो गई है ब्रेड, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये आलू जो हमने मिक्स करके रखे थे इसको ऐसे भर देंगे। फिल करने के लिए ऐसे करेंगे, ज़्यादा आलू नहीं भरेंगे, थोड़े से आलू ये हमने भरे एक ऐसे डायगोनल शेप में, और इसको हम इधर से रोल करते जाएंगे। चारों साइड से ऐसे रोल कर देंगे। जब ये हो जाएगा इसको अच्छे से दबा देंगे। ये हमारा इस शेप का आ जाएगा। ये हमने यहाँ से सारे किनारे इसके पूरे अच्छे से दबा दिए हैं जिससे कि ये खुले। वैसे रोल बन गया है हमारा, अब इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। दोस्तों, अब ये ब्रेड रोल हमने कढ़ाई में डाल दिए घी वाली में। अब इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है, उसके बाद हम निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ब्रेड। अभी वो थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कर देंगे और हमारे ब्रेड रोल बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा अगर आप इसको तेल में रखेंगे तो ये काले भी पड़ जाते हैं। देखिए, ये परफेक्ट है, इस समय गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा। और ये हमारा बन गया है ब्रेड रोल, आलू का ब्रेड रोल, बड़ा ही बेहतरीन है। इसको आप चटनी के साथ, केचप के साथ आराम से खा सकते हैं और आपको फुल मजा आएगा। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।